हेलो हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये शाम का समय है, लगभग 3:30 बज रहा है। सोई थी मम्मी, पिताजी भी सोए हैं, मैं बाबू भी सोया था, तो मेरा मन थोड़ा हल्का लग रहा था। मन हल्का लगता है तो मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो सुबह मम्मी खाना बनाई थी, दाल चावल और आलू बोड़ा की सब्ज़ी। तो मैं सुबह से आराम ही कर रही थी, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, मैं उठकर आ गई हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मैंने सोचा मैं सारे कपड़े को उठा लेती हूँ। फिर लगा कुछ, उसमें एक दो कपड़ा ऐसा था जो कि सूखा नहीं था, तो मैं किचन आ गई हूँ। किचन थोड़ा सा फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, तो मुझे लगा क्या कि वो चूँकि कल जो है ट्रेन से नहीं आई हैं, वो बस से आई हैं बैठे बैठे, तो थोड़ा उम्र हो गया है और परेशानी तो सबके साथ होती है, लेकिन चूँकि मैं बेटी हूँ और अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मम्मी के अलावा, तो आ गई हैं बेचारी, तो मदद करना बनता है। तो यहाँ पर मैंने सारा खाना खाली कर दिया, दाल चावल और सब्जी सब कुछ साइड में रख दूंगी। इनका मॉर्निंग शिफ्ट था तो मुझे लगा ये शाम में आएंगे खाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट से आए, तो अब देखते हैं। ये अभी तक आए तो नहीं है क्योंकि अभी 3:30-4 बज रहे हैं। तो मैं सारे बर्तन को पानी में भिंगो कर रख दूंगी, किचन थोड़ा साफ कर दूंगी जिससे उसको भी भारी ना लगे। एक दो दिन थोड़ा सा नए जगह पर आने से होता है और थोड़ा सा अचानक इतना काम पड़ जाएगा, दिक्कत होगा। और चूंकि अभी मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, और जैसे ये नॉन स्टिक कढ़ाई वगैरह है, तो मेरे मन में ये सब कभी नहीं रहता है कि मैं हाउस हेल्पर को पैसा देती हूँ तो सारा काम मेरा वही करे, या फिर मम्मी आ गए तो मम्मी करे। नहीं, अपने शरीर से जितना चलता है मैं उतना करती हूँ, जबकि उनको 2 टाइम का पैसा देती हूँ जो हाउस हेल्पर होती हैं, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो जाता है आदमी बढ़ने के बाद, लेकिन वो भी बर्तन धोती हैं, तो उस समय भी मैं खड़ी होकर बहुत हेल्प कर देती हूँ, लगा देती हूँ बर्तन, वो बनते जाती हैं, मैं पूरा समेटते जाती हूँ। तो जिस दिन मैं नहीं समेटती हूँ तो उस दिन उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो भी समझती हैं जो हाउस हेल्पर हैं कि ये ठीक रहती हैं तो मदद करती हैं, इनका नेचर बहुत अच्छा है। यही सोच करती हूँ यहाँ पर मैं कुछ बर्तन धो लूँगी, जैसे ग्लास गिलती कप हो गया, रात में खाने के लिए कुछ प्लेट हो गया, क्योंकि बर्तन अगर इस तरह जमा छोड़ दूँगी तो पूरा किचन ही भर जाएगा। और यहाँ पर पूरा स्लैब्स अच्छे से मैं पोछ लूँगी और फिर कपड़ा को उठा के रख लूँगी, क्योंकि लगातार फिर एक हाथ से मैं समेट नहीं पाऊँगी। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर पसंद आए कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप लोगों के साथ रोज़ मैं अपडेट रहना चाहती हूँ, रोज़ वीडियो डालती हूँ, लेकिन तबीयत बिगड़ जाती है तब थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो गैस वगैरह सब कुछ पूछ लेती हूँ, क्योंकि चींटी भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और ये लाल वाली चींटी अशुभ का संकेत होता है जैसे कि कई लोग कहते हैं, लेकिन चींटी इतना है कि बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो चींटी से। लक्ष्मण रेखा रखती हूँ फिर भी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने थाली प्लेट को भी लगा दिया है, सारे ग्लास को लगा दिया, और अब चूँकि मम्मी उठेगी तो सारा सामान नीचे रख लेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा झुकना नहीं चाहती हूँ, परेशानी हो जाती है। रख तो देती हूँ नीचे लेकिन परेशानी हो जाती है, मैंने छोड़ दिया। और अब चलूँगी मैं जो पौधे में थोड़ा पानी दे देती हूँ, क्योंकि बाबू सोया है और फिर उठेगा तो हो सकता है मैं भूल जाऊँ, और तेज़ हवा चल रही थी तो कपड़े भी उड़ के गिर गए हैं। तो पानी देने के बाद ये जो तुलसी का पौधा है, मुझे लग रहा था ये मर जाएगा, मैंने इसके डाल को काट भी दिया था, थोड़ा थोड़ा मंजर जो था उसको भी काट दिया था, लेकिन अब इसमें कई सारे पंखुर इसमें फेंका गया है, यानी लगता है ये पौधा मरेगा नहीं। अगले वीडियो में मैं जूम करके दिखाऊंगी, तो इस पौधे को पूरा मैं धो लेती हूँ, क्योंकि धूल इतना उड़ता है कि पूरा पौधा वगैरह गंदा हो जाता है पूरे तरीके से। तो इस तरह से और कई लोग, जैसे मेरी बुआ सास है, चाची सास है, तो वो लोग बोली कि आप पूजा तुम कर सकती हो, जल वगैरह डाल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बड़ा पूजा जैसे कि कुल देवता हुआ या किसी मंदिर में जाकर पूजा साल भर नहीं किया जाता है, घर में कर सकती हो। तो देखती हूँ क्या होता है, करते हैं कब से करते हैं, क्या बात होती है। इस तरह से अब मैं यहाँ पर सारे कपड़े को उठा लूँगी और हॉल में ही रखूँगी, धीरे धीरे बैठ के समेटूँगी। और कपड़ा उठाने के बाद, वो कपड़ा उठाते उठाते ही मम्मी जग गई है, तो थोड़ा सा मुझे मूँगफली खाने का मन हुआ, तो बोली मम्मी उठी पानी वानी पी, मैंने कहा मैं चाय बनाऊँगी, तुम थोड़ा मूँगफली, यहाँ मेरे पिताजी सोए हैं तो मूँगफली फ्राई कर दो, गुड़ देकर खाने का मन कर रहा था मेरा, और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और यहाँ पर ये भी आ गए हैं तो इनको नाश्ता देना था, तो मुझे लगा ये दाल चावल खाएंगे, लेकिन ये बोले नहीं खाऊंगा, चूड़ा खाऊंगा, चूड़ा सब्जी और अंकुरित मकड़ी और दही इनको दे दूंगी।
और फिर चाय बनाऊंगी। उसके बाद रात के खाना में देखती हूँ क्या बनता है। और अपडेट तो रोज रहना चाहती हूँ, आप लोगों को बताया अभी था, आप लोग पूछ भी रहे थे कौन सा मंथ चल रहा है, ये सब मैं बताऊंगी आप लोगों को। अभी तो मतलब ये है कि अभी जो मैं काम करती हूँ ये सोच कर कि अगर मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, दो लोग घर में हैं, ये मेरे मन में है कि दो लोग घर में हैं। ऐसे जब मैं अकेले रहती थी, सिर्फ बाबू रहता था, वो भी स्कूल में ये भी ऑफिस में, तो बिल्कुल डर डर के करती थी। लेकिन अब मुझे वो डर नहीं है। देखिए कष्ट जो है वो तो होना ही है, उसका तो सामना करना ही है। लेकिन अभी मुझे ये है कि चलो मम्मी अब आ गई और इनको मैं नाश्ता जाकर दे दूँगी। बालकनी में ये और मेरे पिताजी बैठे हैं, फिर दही रेडीमेड ही मंगाया है तो दही निकाल कर कटोरी में डाल दूँगी। और यहाँ मम्मी गुड़ निकाल रही है बादाम में देने के लिए और दूध गर्म कर रही है। दूध गर्म होगा फिर चाय बनाऊँगी। और परेशानी बढ़ती ही जा रही है मेरी, कोशिश तो बहुत करती हूँ संभालने का। मम्मी डांट भी रही थी कि थोड़ा सा लेटी तो ये सब करना क्या जरूरत है। लेकिन मैंने कहा अगर मुझे कष्ट होता या नहीं कर पाती तब तो मैं नहीं ही करती, जैसे होता तुम करती ही। लेकिन चूंकि मैं अभी करने में सक्षम हूँ इसलिए मैं करूँगी। तो जबकि डॉक्टर ने भी कहा है कि आप अभी आराम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ठीक है इतना भी आराम आदमी को क्या करना। यहाँ पर मैं दही निकाल रही हूँ, उनको एक कटोरी दही दे दूँगी, बाकी दूसरे बर्तन में मम्मी रख देगी, उसके बाद मैं चाय चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर ये मूंगफली भी खाने के बाद मुझे बहुत गैस हो गया था, दो तीन दिन से फिर से गैस की शिकायत हो रही है। जब तक वो नाश्ता करेंगे तब तक चाय भी मैं चढ़ा दूँगी, चाय भी बन जाएगा, आप लोग भी आइए चाय पीने के लिए। और उसके बाद कोशिश तो डेली करती हूँ, रोज़ करती हूँ कि डालूँ, वीडियो डालने का प्रयास भी करती हूँ, शाम तक आ ही जाता है। तो डियर सपोर्ट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और कपड़े को उठाकर मैंने सारा हॉल में ही रखा है और यहाँ पर चाय मेरा उबलेगा, सब कुछ मैं डाल दूँगी, चाय चीनी अदरक, फिर मम्मी जो है चाय को छान कर सबको देगी। क्योंकि कल आई हैं मम्मी लोग और अभी तक जो है आम का बोरी बंधा हुआ है, तो ये भी लग रहा है डर कि कहीं आम सड़ ना जाए, इतना दूर से इतना मेहनत करके आई है, तो इसीलिए मैं चाय चढ़ा कर और कम करके छोड़ कर चली जाऊँगी। जब तक वो नाश्ता करेंगे तब तक चाय अच्छे से उबल जाएगा और उसके बाद फिर मम्मी सब कुछ छान के देगी। और ये घड़ा में मैंने इतना रिपेयरिंग किया, फिर भी पता नहीं पानी कहाँ से टपकते रहता है। तो यहाँ पर मेरा चाय खोल रहा है शाम का और अब मैं चली आम को देखने, क्योंकि अगर इसको छोड़ दूँगी तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा, गल जाएगा। तो इसको क्या करना है, जैसे बोरी आता है, जैसे ये सीमेंट वाला बोरी है, एक जूट वाला बोरी आता है, उससे ढकने से भी आम पक जाता है, या फिर पुआल पर डालने से, या फिर गैस डालने से। लेकिन यहाँ पर पिछले साल भी आप लोगों के साथ मैं शेयर किया था, मेरे हस्बैंड ससुराल से आम लाए थे तो पेपर पे डाला था, तो पेपर पर भी आम बहुत तेज़ी से पक जाता है। क्योंकि दो दिन बंद रह गया है तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं आम सड़ ना जाए, तो यहाँ पर मैं ये गेस्ट रूम में आ गई हूँ। मेरे हस्बैंड बोले यहीं पर तुम नीचे में लगा दो और इसके ऊपर ये बिछावन, ये जो बेड है, डाल दो, क्योंकि तीन चार दिन का समय लेगा आम पकने में। तो हिम्मत तो नहीं है अभी मुझे करने का, लेकिन सारा काम मैं नहीं कर सकती है। अब मैं इधर थोड़ा, मेरे पिताजी नहा लिए हैं, वो जाएंगे घूमने, मैंने थोड़ा सा हिम्मत दिखाना है। अभी बैठूंगी नीचे किसी तरह से और सारे आम को लगाऊंगी, क्योंकि एक व्यक्ति पर सारा काम मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, ये मुझसे संभव ही नहीं है। जब नहीं हो पाएगा तब तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर पापा जी आम का बोरी लेते आए हैं, अब मैं सारे आम को आराम से नीचे में लगा दूँगी, बड़ा छोटा जो भी है सबको चुन चुन के अलग करके सबको लगा दूँगी। और बाद में मैंने तेल लगाया है तो ठंडा तेल लगाया है, इसीलिए अच्छे से मैंने कंघी भी नहीं की है, गर्मी बहुत तेज़ है, तो सारे आम को लगा दूँगी। बहुत ही ज़्यादा आम है, एक बोरी आम है तो 40-50 केजी आम है, तो सारे आम को मैं लगा देती हूँ। ये भी बाबू को लेके पार्क निकल गए हैं और ये पप्पा जी भी मंदिर की तरफ निकल रहे हैं, तो मम्मी किचन चली गई है खाना बनाने के लिए, तो खाना में कुछ सब्जी बना लेगी। और मुझे गुड़म्बा खाने का बहुत मन कर रहा था, ये बम्बई आम है, हम लोगों के इधर जो है पटना वगैरह में बम्बई, जरदालू, मालदा ये सब सुनते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के इधर ये सब
आम का नाम होता है कि ये आम है, ये आम है, ये सारा बम्बई आम है जो कि 12 मई के बाद से टूटने लगता है। तो ये चूँकि मेरे मायके में बगीचा है तो ये मेरे बगीचे का ही आम है। तो मैंने कहा मम्मी गुड़म्बा बना दो, तो सब्जी रोटी आलू परवल की सब्जी उधर तैयारी में लग गई है, आटा मिला दिया है और आलू बॉयल होने दे दिया है। फिर मेरा हेल्प करने आ गई, यही माँ होती है, इसको लगा के कैसे निकालेगी या फिर कैसे इतना इतना करेगी, तो उधर चढ़ा के फिर इधर आ गई कि नहीं मैं हेल्प कर देती हूँ। बिना हेल्प के होता भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा हिम्मत किया, और अगर बोरी में छोड़ देती तो मेरा सारा आम बर्बाद हो जाता, इतना परेशान होकर ये लोग लाए हैं। तो मैंने कहा कि मैं सेलेक्ट कर लूँगी, तुम जाओ, क्योंकि उधर वो लोग भी पार्क से आएंगे, सुबह बाबू के स्कूल की बात हो जाती है, 5 बजे उठना होता है, मुझे भी साथ में उठना होता है, टिफ़िन वगैरह बनाना होता है। अब कल तक बाबू का स्कूल है, 20 मई तक है, तब समर वेकेशन हो जाएगा, कुछ राहत मिलेगी। इसको बार बार बोल रही थी तुम जाओ किचन संभालो, लेकिन बार बार मुझे आम सेलेक्ट वगैरह करके दे रही थी, तो मुझे तो आराम मिल ही रहा था, और इस तरह मैं आम को लगा रही थी तो प्रॉब्लम भी मुझे हो रहा था, लेकिन मैंने लगा ही दिया, पूरा नीचे भी लगाया, कुछ डलिया में भी लगाया आम। और वो मम्मी को कहा सब्जी रोटी बनाने का, गुड़म्बा बनाना, गुड़म्बा खाने का बहुत मन कर रहा था, तो यहाँ पर मैं सारा आम लगा लेती हूँ। तो आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं, अगर फिर से कहती हूँ, करिएगा सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ। और यहाँ पर मम्मी का खाना बन गया, मैंने पूरा आम लगा दिया, सब कुछ फिनिश है, बस ये 8-10 आम मैंने निकाल के रख लिया था, जो कि मम्मी का गुड़म्बा काट रही है। ये लोग भी आ गए हैं पार्क से, पिताजी भी आ गए हैं मंदिर से, ये भी नहा के बैठे हैं, तो गुड़म्बा बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता नहीं है, और ये लोग अभी खाते भी नहीं, थोड़ा समय था, तो इसीलिए खाना तो बन ही गया है, अब बस गुड़म्बा बनाना है। मम्मी आम काट रही है, अब बनेगा गुड़म्बा। बाबू कच्चा आम भी खा रहा है, इसको खाने का बहुत मन था। तो चलिए डियर, अपना ध्यान रखिएगा, मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल। मैं भी नहा कर बैठी हूँ, मैंने भी नहा लिया है, सब नहा के रेडी हो गया है। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।